असलम दिस इज काशिफ रशीद एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द प्ले नंबर थ्री क्ले या समर बिफोर लास्ट तो पिछली गर्मियों से पहले जो गर्मियाँ थीं जस्ट बिफोर वी मूव हेयर यहाँ आने से पहले वो फेक काटन इन खन कंट्री हमने कर्न कंट्री में जो है वो कपास जो है वो चुनी थी माई फादर माई मदर एंड मी मेरे अम्मी अबू और मैन हैरी इंडिकेटिंग द पेपर तो पेपर की तरफ इशारा करते हुए वट डू यू से इन योर एड तो आपने अपने इश्तहार में क्या कहा है खले लुकिंग एट इट तो इश्तिहार को देखते हुए वेल आई से मैंने कहा है खिलाड़ा भी कम होम घर आ जाओ योर फिशिंग टैकल्स इन द्लोज सेफ एंड साउंड तुम्हारा मछली पकड़ने का साजो सामान जो है वो कमरे में बिल्कुल महफूज है क्लोजेट मीन कब कैबिनेट या फिर लॉकर टैकल मीन इक्विपमेंट ऑपरेटस और टूल्स द फिशिंग गुड तो मछली का शिकार बहुत अच्छा है प्लेंटी ऑफ कैपजन फर्ज एंड बासन फर्ज एंड बास जो है बहुत बड़ी तादाद में है लेट बाइग भी बाइगॉन्स तो गुजरी हुई बातों को भूल जाओ बाई डिपार्टेड और प्रीवियस टाइम वो मिस यू हम आपको याद करते हैं ममा क्ले, रुसाना रफस एंड क्लारा। हैरी, दैट्स गुड एट तो ये एक अच्छा इश्तहार है क्ले, डू यू थिंक इफ माय फादर रीड्स इट क्या आप सोचती हो क्या आप समझती हो कि अगर मेरा वालद इसे पढ़ता है ही कम होम वो घर आ जाएगा हैरी आई डोंट नो क्ले क्ले मैं नहीं जानता आई होप सो मैं उम्मीद करता हूँ क्ले या थैंक्स अलाट फॉर द हेयर कट मिस्टर ओन डोसन तो मिस्टर ओन डोसन हेयर कट के लिए शुक्रिया क्ले गोज आउट क्ले जो है बाहर चला जाता है हैरी टेक्स ऑफ द डर्बी हैरी जो है वो डर्बी हैट उतारता है लादर्स फेस अपने फेस पर क्रीम लगाते हैं, लाधरमीन ग्रीज सोप और शैम्पू एंड बिगन्स टू शेव विद अ स्टेट एज रेजर और एक सीधे किनारे वाले उसरे से शेव करना शुरू कर देते हैं अ प्रिटी गर्ल एक खूबसूरत लड़की इन स्विमिंग सूट तो तैराकी के लबास में कम्स इन टू द शॉप शॉप में आती है क्लोजिंग कलरफुल पैरासल रंगीन छतरी को बंद करती है शी हैज लॉन्ग ब्लॉन्च हेयर तो उसके लंबे सुनहरी बाल हैं फेरसल मीन स्मॉल लाइट अम्ब्रेला ब्लॉन्च मीन और गोल्डन हेयर हरी मिस अमेरिका मेरा ख्याल है आई प्रज्यूम तो मेरा ख्याल है कि आप मिस अमेरिका हो मीन अज्यूम टेक फॉर और ग्रांच और थिंक गर्ल लड़की मिस मैक्चियन मिस मैक्चियन हैरी हैरी वैन डोसन गर्ल लड़की हाउ डू यू डू तुम्हारा क्या हाल है हैरी बोइंग झुकते हुए मिस मैक्चियन मिस गर्ल आई अम न्यू हेयर मैं यहाँ न्यू हूँ नई हूं हैरी यूड बी न्यू ए न्यू ब्रांड न्यू आप जहां भी होंगी नई होंगी आई माइट से मैं कहूँगा श्योरली यू डोंट लिव हेयर यकीन तुम यहाँ की रहाइशी नहीं लगती द गर्ल एज अ मैटर ऑफ फैक्ट हकीकत के तौर पर आई डू मैं यहाँ रहती हूँ एट एनी रेट हर हाल में आई हैव बिन हेयर since लास्ट Sunday, मैं यहाँ पिछले अतवार से हूँ यू सी आप देखते हो एम द न्यू टीचर एट द स्कूल मैं स्कूल की नई स्थानीय हूँ री यू आर तुम उस्तानी हो दि गर्ल यस आई एम हाँ मैं हूँ हैरी नाव डू यू लाइक इट तो क्या तुम इस चीज़ को पसंद करती हो तो क्या तुम टीचिंग को पसंद करती हो दि गर्ल लड़की वन वीक एट दिस स्कूल हैज़ नाक मी फालूब इस स्कूल के एक हफ्ते ने मेरे ओसान जो है वो उड़ा दिए हैं अ लूप मीन अपसेट डिस्टर्ब और या फिर बाधावास होना एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आई वॉन्ट टू क्विट तो हकीकत के तौर पर मैं क्विट करना चाहती हूँ एंड गो होम टू सैन फ्रांसिस्को और सान फ्रांसिस्को जो है वापस जाना चाहती हूँ एट द सेम टाइम तो साथ ही आई हैव अ फीलिंग मुझे एहसास है आई आर्ट स्टे कि मुझे यहाँ रहना चाहिए वाट डू यू थिंक आप क्या ख्याल करते हो या आपका क्या ख्याल है हैरी आर यू सीरियस क्या आप संजीदा हो आई मीन इन वॉस्किंग मी मेरा मतलब है मुझसे पूछने में द दिगर्ल अफकोर्स यकीन एम सीरियस मैं संजीदा हूँ यू हैव बिन हेयर लॉन्ग टाइम आप काफ़ी अरसा से यहाँ रह रहे हो यू नो एवरी बॉडी इन टोन आप इस टोन uh, में हर आदमी को जानते हो शैल आई गो और शैल आई स्टे क्या मैं चली जाऊं या मैं यहाँ रुकूं? हैरी डिपेंड्स ऑन तो इहसार करते है वाट यू आर लुकिंग फॉर कि आप क्या तलाश कर रही हो आई स्टॉप हियर 24 फोर ईयर्स एगो मैं यहाँ 24 साल पहले रुका बिकॉज क्योंकि आई डिसाइडेड मैंने फ़ैसला किया आई वॉजन लुकिंग फॉर एनी थिंग कि मुझे किसी और चीज़ की तलाश जो है वो नहीं करनी वेल आई वॉज मिस्टेकन मैं गलती पर था I was looking क्योंकि मैं तलाश में रहा and I have found exactly what I was looking for और मैंने बिल्कुल वही चीज़ पा ली जिसकी मुझे तलाश थी The girl, what's that? वो क्या चीज़ है a chance to take my time तो वक्त गुजारी का जो है वो मौका That's why यही वजह है I'm still here मैं अभी भी यहाँ हूँ What are you looking for? तुम्हें किस चीज़ की तलाश है मिस मैक्न दिगर्ल ओअल जी हैरी आई मीन बिस हस्बैंड मेरा मतलब है एक हस्बैंड के अलावा दिगर्ल आम नॉट लुकिंग फॉर अ हस्बैंड मैं एक हस्बैंड की तलाश में नहीं हूँ आई एक्सपेक्ट अ हस्बैंड टू लुक फॉर मी मैं तो करती हूँ कि खामद मुझे तलाश करे हैरी दैट्स फेयर ये ठीक है दिगर्ल एम लुकििंग फॉर अ छच मैं पढ़ाने के लिए मौका की तलाश में हूं हैरी दैट्स फेयर टू ये भी ठीक है द गर्ल बट दिस लेकिन ये कस्बा द चिल्ड्रन जस्ट डोंट सीम टू केयर अबाउट लगता है कि बच्चे जो है वो परवाह नहीं करते एनी किसी भी चीज की वेदर आया के द गेट गुड ग्रेड्स आर बैड उनके अच्छे नंबर आए या बुरे ख्वा वो अच्छा ग्रेड लें या बुरा वेदर दे पास आर फेल चाहे वो पास हो या फेल और एनीथिंग एल्स या किसी भी और चीज़ की ऑन टॉप ऑफ दैट सबसे बढ़कर ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम आर अनूली तो उनमें से ज्यादा जो है वो सड़ियल हैं या बेलगाम है अनरूली मीन अनकंट्रोलेबल या वाइल्ड और डिसबीडियंट दी थिंग वह चीज़ द सीम टू बी इंटरेस्टेड इन जिसमें वो दिलचस्पी रखते हैं इस गेम्स वो हैं खेलें एंड सी और समंदर दैट्स वाई एम ऑन माय वे टू द बीच नाउ तो यही वजह है कि अब मैं सहले समंदर की तरफ जा रही हूँ आई थाट इफ़ आई खुड वॉच देम ऑन अ अचरडे तो मेरा ख्याल है कि मैं उन्हें किसी हफ्ते के रोज़ देख सकूँ आई माइट अंडरस्टैंड दम बैठर तो शायद उन्हें बेहतर तौर पर समझ पाऊँ हैरी यस अ थॉट तो ये एक अच्छा ख्याल है गर्ल लड़की नो बॉडी सीम्स टू हैव एनी सेंसिबल अम्बिशन तो कोई भी बंदा जो है माकूल मकसद रखते हुए दिखाई नहीं देता इट्स ऑल फन एंड प्ले तो ये सिर्फ मौज मस्ती और खेल कूद है हाउ कैन आई टीच चिल्ड्रन लाइक दैट तो मैं इस तरह के बच्चों को कैसे पढ़ा सकती हूँ व्हाट कैन आई टीच दैम मैं उन्हें क्या पढ़ा सकती हूँ हैरी इंग्लिश इंग्लिश दि गर्ल ऑफकोर्स यकीन हैरी ड्राॅइंग हीज फेस अपना चेहरा साफ करते हुए खुश करते हुए सिंगिंग डांसिंग कुकिंग तो सिंगिंग डांसिंग और कोकिंग दि गर्ल कोकिंग तो खाना पकाना आई मच से मैं ज़रूर कहूँगी आई एक्सपेक्टेड टू सी अ मच ओल मैन तो मैं आपको एक फमो फ्रासस समझती थी या एक दाना आदमी जो है वो समझती थी हैरी वेल थैंक यू शुक्रिया द गर्ल नॉट एट ऑल बिल्कुल भी नहीं कतन नहीं हैरी द क्वेश्चन इज शैल यू स्टे और शैल यू गो बैक टू सान फ्रांसिस्को तो सवाल ये है क्या तुम यहाँ रहोगी या सान फ्रांसिस्को जो है वापस चली जाओगी द गर्ल यस जी हाँ हैरी दी आंसर इज़ जवाब ये है गो बैक वाइल द गोइंग गुड तो वापस जाना अगर बेहतर है तो वापस चली जाओ दि गल वाई क्यों आई मीन मेरा मतलब है आ मोमेंट अगो एक लम्हा पहले आई बिलीव मुझे यकीन था यू आर गोइंग टू पॉइंट आउट आप ये इशारा कर रहे थे या आप ये बता रहे थे वाई आई आर टू स्टे कि क्यों मुझे यहाँ रहना चाहिए एंड देन सडनली और फिर अचानक यू से आई आर टू गो बैक तुम कह रहे हो कि मुझे वापस जाना चाहिए वाई क्यों पॉइंट आउट मीन इशारा करना टू इंडिकेट आर टू हिंट एट है बाद यू आर टू गुड फॉर लाइक दिस तुम इतनी अच्छी हो कि इस किस्म के कस्बे के काबल नहीं हो दर्ल आम नाथ में अच्छी नहीं हूं हैरी टू यंग एंड टू इंटेलिजेंट बहुत खूबसूरत और बहुत जवान और बहुत ज़हीन यूथ एंड इंटेलिजेंस तो शबाब और जहानत नीड एक्साइटमेंट उन्हें जो है वो जोश व जज्बा की ज़रूरत है एक्साइटमेंट मीन एडवेंचर थ्रिल या इमोशन इंटेलिजेंस मीन इंटेलेक्ट माइंड ब्राइटनेस और जहानत दिगर लड़की देयर आर खाइंड ऑफ एक्साइटमेंट यहाँ भी हर तरह की या मुख्तफ तरह की एक्साइटमेंट है या जोशो जज्बा है यहाँ yes, है यू नीड द बिग सिटी खाइंड तुम्हें बड़े शहर जैसे जज्बे ज़ की जरूरत है देर एजेंट एन तो यहाँ पर नहीं है एलिजिबल बैचलर एक जो है वो लाइक या काबल कंवारा इन टॉन कस्बे के अंदर दिगल यू सीम टू थिंक ऑल आई वॉन्ट इज़ टू फाइंड अ हजबेंड लगता है कि तुम ये सोच रहे हो कि मुझे सिर्फ एक अदद शोहर की तलाश है या ज़रूरत हैरी बट ओनली टू टीच लेकन सिर्फ सिखाने के लिए यू वॉन्ट टू टीच हिम टू बिकम अ फ़ादर तुम उसे बाप बनना सिखाना चाहोगी सो यू कैन हैव अ लाट ऑफ चिल्ड्रन ऑफ़ योर ओन टू टीच ताकि तुम्हारे अपने पढ़ाने के लिए बहुत से बच्चे जो है वो हो जाए दिगल लड़की शी सिट्स आलमोस्ट एंगरली इन द चेयर वो तकरीबन गुस्सा के आलम में जो है वो कुर्सी पर बैठ जाती है एंड स्पीक्स वेरी सॉफ्टली और बहुत आस्था से बोलती है आई लाइक हा पूडल हेयर कट मैं घुघरेले बाल जो है वो कटवाना चाहती हूँ इफ़ यू डोंट माइंड अगर आप गुस्सा ना करो जहमत ना करो मिस्टर वैन डोसन मिस्टर ओन डोसन यूल गेट दैट इन सैन फ्रांसिस्को तो आप ये सैन फ्रांसिस्को में भी करवा सकती हो आम अफ्रेड मुझे अंदेश है दिगल वाई और बबर तो क्या आप एक हजाम नहीं हो हैरी आई एम मैं हूँ दिगल लड़की वेल दिस इज़ योर शॉप ये तुम्हारी दुकान है इट्स ओपन फॉर बिजनेस ये बिज़नेस के लिए ये कारोबार के लिए खुली होती है अम अ कस्टमर मैं कस्टमर हूँ आई हैव गॉड मनी मेरे पास रकम है आई वॉन्ट हा फूडल हेयर कट मैं जो है घंघरेले बाल जो है वो बनवाना चाहती हूँ हैड़ी आई डोनाट नाव हाओ टू गिव अ फूडल हेयर कट मैं नहीं जानता कि किस तरह जो है घुघरेल बालों वाली हजामत जो है वो बनाई जाती है बट इवन इफ़ आई नाव हाओ अगर मैं जानता कि कैसे आई वुडन डू इट मैं ऐसा ना करता दिगल वाई नाट क्यों ना करते आई डोंट गिव वेमन हेयर कट्स मैं औरतों को हेयर कट नहीं देता मतलब कि औरतों के बाल नहीं काटता द ओनली वेमेन हु विजिट दिस शॉप ब्रिंग देयर स्मॉल चिल्ड्रन फॉर हेयर कट्स तो वो जो औरतें इस शॉप का विजिट करती हैं या इस शॉप पर आती हैं वो अपने छोटे बच्चों के बाल कटवाने के लिए यहाँ लाती हैं दिगल लड़की I want a poodle haircut. मैं पूडल हेयर कट चाहती हूँ मिस्टर ओन डोसन मिस्टर ओन डोसन sorry. मुझे अफसोस है मिस मैक्न मिस मैक्न इन माई स्लीप अपने सोने में इन आ nightmare, मेयर एक ड्रोने ख्वाब में आई वो not कट योर हेयर मैं तुम्हारे बाल जो है वो नहीं काटूँगा hey, मुझे अफसोस है मिस मैक्चियन सोते हुए ड्रोने ख्वाब में भी मैं तुम्हारे बाल जो है वो नहीं काटूंगा। द साउंड ऑफ अ ट्रक स्टॉपिंग इज़ हर्ट फ्राम स्ट्रीट तो बाहर गली से ट्रक के रुकने की जो है वो आवाज़ आती है गर्ल लड़की सॉफ्टली तो धीमे लहजे में फैशनली तो पुरस्कून अंदाज में बट फॉम लेकिन मुसम्मम लहजे में मिस्टर ओन तो मिस्टर ओन आई हैव डिसाइडेड टू स्टे तो मैंने यहाँ रहने का फैसला कर लिया है एंड द फर्स्ट थिंग आई हैव गॉ टू डू तो पहला काम जो मुझे करना है इज़ चेंज माई अपेयरेंस वो है अपना हलिया तब्दील करना आई डोंट फिट इन टू दिनरी अराउंड हेयर मैं यहाँ के जो गर्द वनवा का माहौल है उसमें जो है फ़िट नहीं हो रही उस में जो है वो हम महंग नहीं हूँ हैरी ओह आई डोंट नो मैं नहीं जानता इफ़ आई वाल बॉय गोइंग टू स्कूल अगर मैं एक छोटा लड़का होता स्कूल जाने वाला आइट से तो मैं कहता यू लुक जस्ट रिट तो आप बिल्कुल ठीक दिखाई देती हूँ दि गर् लड़की यू आर जस्ट लाइक द चिल्ड्रेन आप भी बच्चों की तरह हो दे डोंट ठेक मी सीरियसली वो मुझे संजीदगी से नहीं लेते आर दे थिंक वह ख्याल करते हैं आई एम नथिंग मोर दैन अ फ्रिटिक गल मैं खूबसूरत लड़की से ज़्यादा कुछ नहीं हूँ हुज़ गोइंग टू गिव अप जो तरक कर देगी इंडस्फेयर मायूसी में एंड गो होम और घर चली जाएगी तो तुम भी बच्चों की तरह हो वो भी संजीदगी से मेरी बात को नहीं लेते वो समझते हैं कि मैं एक ख़ूबसूरत लड़की से बढ़कर और कुछ नहीं हूँ और जो मायूस होकर जो है वो हथियार डाल देगी और घर को चली जाएगी इफ़ यू गि मी या फूडल हेयर कट अगर आप मुझे एक घुघ्याल बालों वाली हजामत बना दो आई लुक मोर ऑल तो मैं ज़्यादा अच्छी लगूँ प्लें सीधी सादी एंड सिंपल और सादा लगूँ आई फ्लान मैंने मनसूबा की है टू ड्रेस के लबास पहनूँगी डिफरेंटली तो मुख्तलिफ तर्ज का टू अगर तुम तो मेरी घुरेले बालों वाली हजामत बना दो तो मैं ज़्यादा सही सीधी सादी और साधा जो है वो नज़र आऊँगी और मैंने मुख्तलिफ तर्ज का लिबास पहनने का भी फ़ैसला कर लिया है। हैम determined टू teach हेयर मैंने यहाँ पढ़ाने का अरादा कर लिया है डिथर्मन मीन फॉर्म डेडिकेटेड और स्ट्रॉन्ग व यू हैव गॉड टू हेल्प मी तुम्हें मेरी मदद करना है नाउ मिस्टर वैन डोसन तो अब मिस्टर वैन डोसन दी शेयर्स प्लीज तो मेहरबानी करके जो है वो कैंची जो है वो उठाओ हैरी आई एम सॉरी मुझे अफसोस है मिस मैक्न मिस मैक्न इज नो नीड टू चेंज योर अफेयर्स एट ऑल तो आपको अपना हुलिया बदलने की बिल्कुल ज़रूरत जो है वो नहीं है क्लार्क लराबी कम्स इन टू द शॉप क्लार्क लराबी जो है वो दुकान में आता है हैरी यू आर नेक्स्ट क्लार्क क्लार्क आप अगले हो हैरी हेल्प्स मिस मैक्न आउट ऑफ द चेयर हैरी जो है मिस मैक्न को कुर्सी से उठने में मदद करता है शी गिव्स हिम एन एंग्री ग्लांस तो वो उसे जो है एक गुस्से वाली नज़र जो है वो देखती है द गर्ल लड़की विस्परिंग तो सरगोशी करते हुए आई वॉन्ट फॉर गट दिस मैं नहीं बोलूँगी ये अरूनस तो बद अखलाक़ी अरूनस मीन डिसऑनर डिसरस्पेक्ट विस्पर मीन टू तो मर्मर टू तो मटर और स्पीक सॉफ्टली मिस्टर वैंडोसन हैरी आल्सो वस्परिंग तो सरगोशी करते हुए नेवर विस्पर इन ओके द सी ओके बाएसी द सी के ऊपर कभी भी सरगोशी ना करना फ्यूफल मिसअंडरस्टैंड तो लोग जो है गलत मतलब निकाल लेते हैं लाउडली ऊंची आवाज में गुड डे मिस तो मिस आपका दिन अच्छा गुजरे मिस मैक्न ओपनस हर फेरअसल तो मिस मैक्न जो है अपनी छतरी खोलती है एंगर गुस्से से एन लीव द शॉप और दुकान को छोड़ जाती है क्लॉर्क लड़ाबी है तो क्लार्क लड़ाबी जो है बामुश्क जो है उसे देखा ही स्टैंड लुकिंग एट हैरीज ऑन देल्व तो वो शेल्व में पड़े जो है काठ कुबाड़ को खड़े देखते हैं क्लॉर्क आई हेवेंट सीन यू इन अ लॉन्ग टाइम तो अच्छा तो क्लार्क लंबे अरसे से आ, मैंने आपको नहीं देखा क्लार्क आई एम जस्ट पासिंग थ्रू हैरी तो हैरी मैं यहाँ से गुजर रहा था थाट आई माइट और रन टू क्ले हेयर तो मैंने सोचा कि शायद यहाँ पर क्ले से जो है वो सामना हो जाए हैरी ही वॉज़ हेयर लिटल वॉइल एगो तो वो थोड़ी देर पहले यहाँ था क्लार्क हौज ही वो कैसा है हैरी ही इज फलार्क क्लार्क वो अच्छे क्लार्क क्लार्क आई बीन वर्किंग इन सेलनास तो मैं सेलनास में काम करता रहा हूँ कड़वाई डॉन इन अ ट्रक तो एक ट्रक पर सवार होकर यहाँ आया हूँ इट्स अक्रॉस द स्ट्रीट नाउ, अब वो ट्रक जो है गली के उस पार है एट द गैसोलीन स्टेशन तो गैसोलीन जो है वो गैस वाले स्टेशन पर हैरी यू हैव बिन होम ऑफकोर्स तो यकीन तुम यहाँ घर पर ही रहोगे क्लार्क नो आई है मैं नहीं रहूँगा oh, uh, क्यों uh, क्लार्क आफ्टर स्लाइड पॉज तो थोड़े वक्फे के बाद आई हैव लेफ्ट फे तो मैंने फे को छोड़ दी हैरी हैरी यू गॉट टाइम फॉर हेयर कट क्लार्क क्लार्क क्या तुम्हारे पास बाल कटवाने के लिए वक्त है क्लार्क नो no, थैंक्स हैरी हैरी शुक्रिया आई हैव गॉट टू गो बैक टू सेलनास ऑन ट्रक मुझे उस ट्रक पर जो है वापस जाना जाने क्रॉस द स्ट्रीट जो के गली की उस जानब खड़ा है। हैरी क्ले साउवेयर ऑन द बीच तो क्ले जो है वो सहले समंदर पर कहीं होगा क्लॉर्क हैरी थ्री टेन डॉलर बिल्स तो उसे जो है वो दस डॉलर के तीन नोट जो है वो थमाते हुए गिव हिम दिस उसे ये दे देना विल यू क्या तुम दे दोगे थर्टी डॉलर तीस डालर डोंट हेल हीम आई गेविट यू उसे ना बताना कि ये मैंने तुम्हें दिए हैं वाई नाट क्यों ना बताऊँ क्लार्क आई रेदर ही डिड नाट नो आई वॉज अराउंड इज़ ही ऑल राइट तो मैं चाहता हूँ कि उसे पता ना चले कि मैं यहाँ हूँ तो क्या वो बिल्कुल ठीक हैरी शोर क्लार्क तो यकीन वो ठीक है दे इज ऑल ओके आई I मीन mean, तो वो सब खैरियत से हैं आ, मैं जो है वो कह रहा हूँ मेरा मतलब है क्लार्क टेल हिम टू टेक द मनी होम टू हिज मदर उसे कहना कि रकम जो है अपनी माँ के पास ले जाए ही पिक्स अप द न्यूज़ पेपर द गुल वो न्यूज़ पेपर गुल जो है वो उठा लेता है हैरी श्योर यकीन क्लार्क ठीक है इट केम आउट दिस मॉर्निंग तो ये इस सुबह आया है टेक इट अलॉंग इसे अपने साथ ले जाओ क्लार्क थैंक्स शुक्रिया ही पुट्स अ पेपर इन हिज पॉकेट वो अखबार को अपनी जेब में डाल लेता है रख लेता है हाउ uh, things थिंग्स going? गोइंग विद यू हैरी तो हैरी तो तुम्हारे हालात जो है वो कैसे जा रहे हैं? Oh, kick, तो मैं शिकवा नहीं कर सकता टू or थ्री हेयर कट्स day, तो एक दिन में दो या तीन हेयर कट्स lot ऑफ टाइम टू रीड पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा वक्त a few लाफ्स चांद एक कह के अफ्यू सरप्राइजेस चांद एक चौंका देने वाली बातें दि समंदर द फिशिंग मछली का शिकार इट्स अ गोल लाइफ तो ये एक अच्छी जिंदगी है क्लार्क कीप एन आय ऑन क्ले तो क्ले का ख्याल रखना विल यू क्या आप रखोगे आई मीन वेल तो आई हैड टू डू इट मेरा मतलब है uh, हाँ Uh, मुझे उनका ख्याल रखना हैरी श्योर यकीन क्लार्क या जी हाँ वाल दैट्स द फर्स्ट मनी आई हैव बीन एबल टू सेव तो यह पहली रकम है जो मैं बचाने के काबिल हुआ हूँ व्हेन आई मेक सम मनी जब मैं कुछ रकम जोड़ लूँगा आई लाइक टू सेंड इट हेयर तो मैं उसे यहाँ जो है भेजना पसंद करूँगा सो यू कैन हैंड इट क्ले तो आप उसे क्ले के हवाले कर देना टू टेक होम के वो घर ले जाए हैरी एनी थिंग यू से क्लार्क क्लार्क क्या कुछ आपने और कहना है देर इज अ साउंड ऑफ द ट्रक्स हॉर्न तो ट्रक के हॉर्न की आवाज़ आती है ब्लोइंग बजने की क्लार्क वेल ही गोज टू द डोर वो दरवाजे की तरफ चल पड़ता है थैंक्स हैरी थैंक्स लाट शुक्रिया हैरी बहुत बहुत मेहरबानी हैरी गुड सींग यू तो आपसे मिलकर खुशी हुई क्लार्क क्लार्क खलाक लड़ाबी गोज आउट खलॉ लड़ाबी जो है वो चला जाता है हैरी वॉच हैरी उसे देखता है अ ट्रक शिफ्टिंग गेयर इज़ हज तो एक ट्रक जो है वो गेयर तब्दील करता हुआ बदलता हुआ सुनाई देता है एंड देन साउंड ऑफ द ट्रक ड्राइविंग ऑफ और फिर जो है वो ट्रक के जाने की आवाज़ आती है हैरी पिक्स अप अ बुक हैरी जो है एक किताब उठाते हैं चेंज हैड्स तो कैप जो है बदलता है सीट्स डॉन इन द चेयर कुर्सी पर बैठ जाते हैं एंड बिगन सू रेड और पढ़ना शुरू कर, दे, कर देते कर देते हैं अमेन ऑफ फोर्टी आर्सो चालीस साल का या इसके लगभग वेल ड्रेसड अच्छा लबास पहने हुए स्विफ्ट तो थोड़ा जो है पड़तीला कम जिन अंदर आता है क्लार्क लड़ाबी चला जाता है, हैरी उसे देखता है ट्रक के गेड बदलने की आवाज़ आती है और फिर दूर ट्रक के जाने की आवाज़ सुनाई देती है। हैरी किताब उठा लेते हैं हेड को बदलता है कुर्सी पर बैठ जाता है और पढ़ना शुरू कर देते हैं एक आदमी जिसकी उम्र 40 साल के तकरीबन करीब होती है जो खुश लबास है बल्कि फुर्तीला भी है वो अंदर दाखिल होता है दि मैन इज़ द बाबर तो हजाम किधर हैरी आम दाबर मैं हजाम हूँ दि मैन कैन गैच है हेयर कट तो क्या मैं हेयर कट करवा सकता हूँ रियल क्विक तो बहुत तेज़ यकीन जल्दी से हैरी गेटिंग आउट ऑफ द चेयर तो कुर्सी से उठते हुए डिपेंड्स ऑन वट यू मीन बाय रियल क्विक तो ये तुम पर मुनसर है कि रियल क्विक से क्या मुराद है हकीकी जल्दी से आपकी क्या मुराद है डिमैन सिटिंग डॉन बैठते हुए वैल जस्ट अ हेयर कट दैन तो फिर सिर्फ बाल काट दें हैरी पुटिंग एन एफरन अराउंड द मैन तो आदमी के इर्द गिर्द जो है वो एफरन पहनाते हुए ओके आई डोंट बिलीव आई हैव सीन यू बिफोर मुझे नहीं यकीन कि मैंने आपको पहले कभी देखा हो मैन आदमी नो नहीं दे आर चेंजिंग द ऑयल इन माई कार अक्रॉस स्ट्रीट वो गली की दूसरी पार जो है मेरी गाड़ी का जो है वो तेल तब्दील कर रहे हैं थर्ट आई स्टेप इन हेयर मैंने सोचा कि मैं यहाँ आऊँ एंड गेट अ हेयर कट और बाल कटवा लूँ गेट इट आउट ऑफ द वे तो इसे कर ही डालूँ बिफोर आई गेट टू हॉलीवुड हॉलीवुड पहुँचने से पहले हाउ मनी माइल्स इज इट तो वो कितनी दूर है यहाँ से हैरी अबाउट टू हंड्रेड स्टेट डाउन द हाई वे तो अगर आप हाई वे पर 200 मील दूर जाओगे यू खान मिसिट तो आप उसे मिस नहीं कर सकते मतलब कि आप वहाँ ज़रूर जो है वो पहुँच जाओगे द मैन वट ऑन इज दिस तो ये कस्बा कौन सा है ये इस कस्बे का क्या नाम है हैरी ओके बाय द सी द मैन आदमी वट डू दियपल डू हेयर यहाँ के लोग क्या करते हैं हैरी वेल आई कट हेयर मैं बाल काटता हूँ फ्रेंड ऑफ माइंड नेम वज रफेयर्स वॉचर्स तो मेरा एक फ्रेंड जिसका नाम वजिक है वो घड़ियों की मरम्मत करता है रफेयर मीन मैंट फुट राइट और सर्विस रेडियोज अलार्म क्लाक एंड सेल्स ज्वेलरी रेडियो अलार्म क्लाक की मरम्मत करता है और इसके अलावा जेवराज जो है बेचते हैं दैन हु डज ही सेल इट तो वो ये किस को बेचते हैं हरी द पीपल हेयर यहाँ पर रहने वाले लोगों को इर्स इमिठेशन स्टाफ तो ये नकली चीजें होती हैं मेनली ज्यादातर इमिठेशन मीन आर्टिफिशल मोक और फेक दैन फैक्ट्री हेयर यहाँ पर कोई फैक्ट्री है फॉर्म्स खेत हैं फिशिंग या माही गिरी होती है री नो नहीं जस्ट अ फ्यू स्टोर ऑन द हाईवे हाईवे पर कुछ स्टोर हैं द हाउज फर्दर बैक इन दिल्स तो पहाड़ियों के पीछे जो है वो घर हैं द चर्च चर्च है एंड द स्कूल और स्कूल है यू आर सेल्स मैन आप एक सेलमैन हो द मैन नो आम अ राइटर नहीं मैं एक राइटर हूँ हैरी वट डू यू राइट आप क्या लिखते हो दी मैन आ लिटल बीट ऑफ एवरी थिंग हर चीज़ के बारे में थोड़ा बहुत हाउ अबाउट द हेयर कट हेयर कट के बारे में क्या ख्याल है हैरी यू गाट टू बी इन हॉलीवुड टू नाइट तो आपको आज रात हॉलीवुड पहुँचने हैं मैन आई डोंट हैव टू बी एनी वेयर टू नाइट मुझे आज कहीं भी नहीं पहुँचना बट दैट वॉज द आइडिया लेकिन वो एक ख्याल था वाई क्यों हैरी वेल आई हैव ऑलवेज सेट राइटर कुड स्टेप इन टू अ प्लेस लाइक दिस मैंने हमेशा कहा है कि एक राइटर जो है वो एक ऐसी जगह पर कदम रखता है जैसा कि ये है वाइ थिंग्स चीज़ों को देखता है अ लिटल वाइल थोड़ी देर के लिए एंड गेट अ होल बुक आउट ऑफ इट और उससे पूरी किताब जो है वो निकाल लेता है अ प्ले या एक ड्रामा तो मैंने हमेशा कहा है कि एक मुसनफ़ जो है किसी ऐसी जगह पर कदम रखता है तो थोड़ी देर चीज़ों को देखता है तो उससे पूरी किताब या ड्रामे का जो मटेरियल है या मवाद है वो मिल जाते हैं दैन और इफ़ ही वाज अ पोएट अगर वो एक पोएट हो अ सोनेट तो उससे एक सोनेट मिल जाती है. हैरी डू यू लाइक शेक्सपियर्स तो क्या आप शेक्सपियर के ड्रामे या सोनेट जो है पसंद करते हो दैन दे आर जस्ट अबाउट द बेस्ट इन इंग्लिश तो वो लोग जो है अंग्रेजी में इंग्लिश में बेहतरीन लोग थे हैरी इट्स नॉट ऑफन आई गेट अटर इन हेयर तो अक्सर ऐसा नहीं होता कि यहाँ पर कोई मुसनफ़ आए एज आ मैटर ऑफ फैक्ट हकीकत के तौर पर यू आर दी राइटर आई हैव हैड इनर इन ट्वेंटी ईयर्स आप वो पहले राइटर हो जो यहाँ पर बीस साल में आए हो नॉट काउंटिंग अ फेंटन फैंटन को जो है वो मैं नहीं गिन रहा मतलब फैंटन के अलावा दैन हुज ही वो कौन है हैरी फेंटन लाखर तो फेंटन द मैन व्हाट डज ही राइट वो क्या लिखते हैं हैरी ही गेट्स आउट द वीकली पेपर वो वीकली पेपर जो है वो निकालता है या छापता है राइट्स द होल थिंग हिमसेल्फ सारी की सारी चीज़ें जो है वो खुद लिखते हैं है। मैन या वेल हाउ अबाउट द हेयर कट तो हेयर कट जो है वो शुरू करनी चाहिए या हेयर कट जो है वो उसके बारे में क्या कहती हैरी ओके ठीक है हैरी पोट्स हॉट हावल अराउंड द मैंस हेड तो हैरी जो है आदमी के सर के जो है वो गर्म तोलिया जो है वो लपेट देते हैं मिस मैक्चियन मिस मैक्चियन खैर का खेन चेयर तो एक जो है बेद की कुर्सी जो है वो उठाए हुए विदाउट वन लेग एक टांग के बगैर एंड विदाउट अ सीट और एक सीट के बगैर खम्ज इन अंदर आती है विद हार क्ले विथ समज़ हैंड जिसके पास साथ जो है वो क्ले होता है और उसके हाथ में कुछ होता है अस्मॉलर बॉय एक छोटा लड़का नेम ग्रीले जिसका नाम ग्रीले है विद अ बॉटल ऑफ सी वाटर उसके पास जो है वो समंदरी पानी की बॉटल जो है पकड़ी होती है एंड रखसाना विद एन और रुखसाना जो है एक असॉटमेंट ऑफ शेल्स तो सीप जो है उनके जो है वो मजमु uh, के साथ। साथमेन मीन मिक्सचर क्लेक्शन और सेट क्ले आई गॉट एन ऑयस्टर हेयर तो मुझे एक सी मिली है मिस्टर वैन ग्रिली मिस मैक्चियन क्लेम्स दैट दे ऑन अ बिग पल इन इट मिस मैक्चियन क्लेम करती है दावा करती है कि इसमें बड़ा मोती नहीं है हरी लुकिंग एट मिस मैक्चियन मिस मैक्चियन को देखते हुए इस यू विलिंग टू एडमिट अ दिटल वन इन इट क्या ये मानने के लिए तैयार है कि इसमें छोटा मोती है ग्रीली आई डोंट नो मैं नहीं जानता आई नो आई गॉट सी वाटर इन दिस बॉटल मैं जानता हूँ कि मैंने समंदर का पानी जो है इस बोतल में लिया हुआ है या इस बोतल में समंदर का पानी है मिस मैक् मिस्टर वैन डोसन खले ली सीम्स टू बिलीव द फल इन दिस ऑयस्टर

दि थाइड्स समंदर की लहरें एवर गेट्स लो एनफ तो बामुश्किल इतनी कम सतह पर जाती हैं फर फैलो एक आदमी के लिए एक साथी के लिए टू गेट अराउंड टू द ओशन साइड ऑफ ब्लैक रॉक के वो स्याह चट्टान के समंदर की जानब जा सके बट अ लिटल वाइल एगो इट डिड, लेकिन थोड़ी देर पहले ऐसा हुआ सो आई वेंट अराउंड हेयर टू दैट साइड तो मैं जो है उस तरफ जो है वो गिया क्या तुम सयाह चट्टान के बारे में जानते हो समंदर की लहरें ब मुश्किल ही कभी इतनी जो है वो कम सतह पर आती हैं कि कोई इस चट्टान के गर्द जो समंदर की जानब जा सके लेकिन थोड़ी देर पहले ऐसा हुआ था तो चनाचे मैं उसके गिरद जो है वो उस तरफ गया था आई गाट यू पॉकिंग अराउंड तो मैं जो है वो तलाश में था इधर उधर फिर रहा था एंड आई फाउंड दिस ऑयस्टर और मुझे ये सीप जो है वो मिल गई फोक अराउंड मीन सर्च फॉर और लुक थरू गो थ्रू हरी आई हैव बिन हेयर ट्वेंटी फोर ईयर्स क्ले क्ले मैं यहाँ चौबीस साल से रह रहा हूँ एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम आई हैव एवर हर्ड ऑफ़ एनी बॉडी फाइंडिंग एन ऑस्टर ऑन आर बीच ऑल ब्लैक रॉक और एनी वेयर एल्स और ये मैंने पहली मरतबा सुना है कि किसी शख्स को साहेल, सयाह चट्टान पर या किसी और जगह से कोई सीप मिलाओ क्ले वेल आई डिड मिस्टर ओ एन डोसन मिस्टर ओनडोसन खैर मुझे मिला है इट्स शॉर्ट हाइट तो ये बिल्कुल सख्त तरीके से बंद है इट्स अलाइव और यह जिंदा है इज़ अ फल इन इट और इसमें एक मोती है वर्थ एट लीस्ट थ्री हंड्रेड डॉलर और जिसकी मालियत कम अज कम तीन सौ डॉलर है ग्रिली अग फ एक बहुत बड़ा मौत मिस मैक्चियन, नाउ यू चिल्ड्रन लिशन टू मी अब आप बच्चों मुझे सुनो इट्स नावर टू सोन फॉर एनी ऑफ आस टू फेस द ट्रूथ हमें तमाम के लिए ये इतना जल्दी नहीं है कि हम सच्चाई का सामना ना कर सकें विच इज पोज टू सेटास फ्री जिसके बारे में ख्याल किया जाता है कि वह हमें रहा दिलाती है सेटस पूरी से मुराद होते हैं रहा दिलाना नाट इम्प्रेजन uh, ना के कैद करती है अस हमें द ट्रूथ इज सच ये है खले यू वॉन्ट मनी बिकॉज यू नीड मनी तुम रकम चाहते हो क्योंकि तुम्हें रकम की ज़रूरत है द ट्रूथ इज़ तो सच ये है ऑल्सो ये भी दैट यू हैव फोन एन ऑस्टर कि तुम्हें एक सी मिले द ट्रूथ इज ऑल्सो डेट देर इज़ नो फल इन दस्टर और सच ये भी है कि इस सी में कोई मोती नहीं है ग्रीली हाउ डू यू नाउ आप कैसे जानती हो डू यू लुक क्या आपने देखा है मैक्चियन, नो no, नहीं बट ना डिड क्ले लेकिन क्ले ने भी नहीं देखा एन इन एज मच एज ओनली वन ऑस्टर इन अ मिलियन हैज अ अल इन इट और यहाँ तक सिर्फ एक जो ऑस्टर ऐसा होता है लाखों में से दस लाख में से जिसमें एक मोती होते हैं ट्रोथ फेवर्स और सच जो है वो तइद करती है दी प्रोबेबिलिटी इस इम्खान की दैट दिस इज नॉट द मिलथ ऑस्टर के ये वो दस लाखवा सीप नहीं है द ऑस्टर विद द फल इन इट वो सीप जिसमें मोती हो क्ले देर इज़ अ बिग फल इन द दस्टर तो इस ऑस्टर में बहुत बड़ा मोती है मिस मैक्शन मिस्टर ओन मिस्टर वैन, मिस्टर वैन, मिस्टर वैन शलोगी ओपन द ऑस्टर क्या हम ऑस्टर को खोलें एंड शो क्ले एंड ही सिस्टर रुखसाना और क्ले और उसकी सिस्टर रुखसाना को दिखाएँ एंड देयर मैन ग्रिली और इनके जो मैन ग्रिली को दैर दर इज़ नो फॉल इन इट के इस में कोई मोती नहीं हैरी इन अवमेंट थोड़ी देर में uh, मिस मैक् मिस मैक्न इससे मुराद के थोड़ी देर में खोलते हैं एंड वाट्स दैट यू हैव और ये आपके पास क्या है मिस मैक्न अ चेयर एज यू सी एक कुर्सी जैसा कि आप देखती हैरी हाउ मैनी लेग्स डज इट हैव इसकी कितनी टांगे हैं मिस मैक्न थ्री ऑफ कोर्स यकीन तीन आई कैन टू थ्री मैं तीन तक गिन सकती हूँ आई होप मेरा ख्याल है हैरी वट डू यू वॉन्ट विद अ चेयर विद ओनली थ्री लेग्स आप इन तीन टांगों वाली कुर्सी से क्या चाहती हो क्या करोगी मिस मैक्न आई एम गोइंग टू ब्रिंग थिंग्स फ्राम दिस सी मैं समंदर से चीज़ें ला रही हूँ द सेम बिल्कुल उसी तरह एज एवरी बॉडी एल्स इंटोन जैसा कि कस्बे में हर शख्स लेके आते हैं बट एवरी बॉडी एल्स इंटोन डज नॉट ब्रिंक थिंग्स फ्राम दी लेकिन कस्बे में मौजूद हर शख्स जो है वो समंदर से चीज़ें नहीं लाता जस दिल्ड्रेन सिर्फ बच्चे जज एपलगा जज एपल गात फैटन लाख फेंटन लाखाट एंड माई सेल्फ और मैं खुद कहते हैं कि कस्बे में मौजूद हर शख्स मंदिर से चीज़ें नहीं लाता आ, सिर्फ बच्चे जज ऐपलगात फेंटन लाखाट और मैं ख़ुद जो है वो चीज़ें लाता हूँ मिस मैक्न इन एनी केस द सेम एज अ चिल्ड्रन जज एपलगा फेंटन लाख एंड यू तो बहरहाल वैसे ही जैसे बच्चे जज एपल गात फेंटन लाखाट और तुम जो है वो लाते हो जज एपल गार्थ तो ये जज एप्पल गार्थ होज ही ये कौन है